सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपके ऊपर बड़ी समस्या होंगी, छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मैं आपके लिए आज बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अचूक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जिससे आपके जीवन में बाहर तो आएगी आएगी, इस बार तो जरूर आएगी और आपके जीवन में तरक्की आपकी होनी शुरू हो जाएगी, काम काज के रास्ते आपके खुल जाएंगे, नजर टोक जो है कोई जो है बद्दुआ आपको लग गई है या आपके ऊपर कुछ ग्रहों की परिस्थिति आपकी ऐसी हो गई है कि आपको बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, तो सारी समस्याओं का निजात जो है आपको ये नींबू और ये चाकू जो है आज दिलाने वाला है। तो हमने बड़ा ही जरा अचूक उपाय करना है, तो उसके लिए जो है ध्यान से आप इस उपाय को सुनिएगा। और ये उपाय किसके लिए है, किस लोगों के लिए उपाय है जिनको जो है बार बार नजर लग जाती है, जैसे कि वो अभी तैयार होकर आए और तैयार होकर आए हैं, शादी पे गए हैं और अगले दिन पड़ गए बेड पर, या ऐसे लोग जो हल्का सा भी अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ बताते हैं और कहते हैं कि अरे यार मेरी तो कल डील होने वाली है और डीलूंगी एकदम से अगले दिन कैंसिल, ऐसे लोग इनके ऊपर नजर बद्दुआ बड़ी जल्दी लगती है। या ऐसे लोग जिनके कुंडली में मंगल बद की कंडीशंस होती हैं। अब मंगल बद की कंडीशंस कैसे होती हैं कि कुंडली में अगर आपके चौथे घर का मंगल हो जिसे हम बद्दी का सरदार कहते हैं, आठवें घर का मंगल हो जिसे हम कहते हैं कि ये आठवें घर के मंगल वाले से तो भैया शादी करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, चौथे घर के मंगल वाले से 10 बार शादी करने से पहले सोच लेना चाहिए क्योंकि इनकी जिंदगी में दुख तकलीफें जो हैं वो ज्यादा आती हैं और लोगों के मुकाबले में। लोग जो है ना मांगलिक से शादी करने में भी डरते हैं। वो क्यों डरते हैं, वो ये कहते हैं, वो सोचते हैं क्या कहते हैं कि भाई मांगलिक है लेकिन लगन का मंगल, सप्तम का मंगल, बारहवें घर का मंगल बढ़िया रहता है, कोई ऐसी बात नहीं होती, चौथे घर का और आठवें घर का थोड़ा सा मंगल बद की परिस्थिति ज्यादा बना रहता है। शुक्र अगर कुंडली में आपके खान नंबर 9 में हो तो भी आपकी कुंडली में मंगल बद की परिस्थिति बनती है, बुध केतु इकट्ठे हो तब भी मंगल बद बनता है, बुध राहु हो, मंगल राहु हो, मंगल केतु हो और सूर्य शनि हो तब भी मंगल बद की स्थिति जो है वो बन जाती है। अब सूर्य शनि अब जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मंगल कहीं पर भी कुंडली में होगा ना, चाहे वो 11वें भाव में लाभ भाव में क्यों ना बैठा होगा, वो भी आपको नुकसान ही कर रहा होगा, उसको भी ठीक करने के लिए उपाय होते हैं। तो लेकिन मैं आपको एक बढ़िया सा है कि ऐसा नींबू का उपाय बताने जा रही हूँ जो आपने देखिए सुना कहीं पर भी नहीं होगा, ये यूट्यूब पे मेरे गारंटी है कि आपने ये उपाय नहीं सुना होगा। और ये उपाय मैं बहुत ही अपने स्पेशल क्लाइंट्स को करवाती हूँ जो बेचारे बड़े ही हर तरफ से, जब इनकी जो आपको लगता है ना कि हर तरफ से ग्रहों ने भी घेर लिया, फिर नजरों ने भी घेर लिया, बद्दुआओं ने भी घेर लिया, तंत्र मंत्र ने भी घेर लिया, तो तब मैं ये अपने दर्शकों को, अपने जो अपने क्लाइंट्स को, खास खास क्लाइंट्स को, उनको ये उपाय करवाती हूँ। तो आपने भी ये उपाय नोट करना है। देखिए मैंने बस ब्लू कलर का पेन है, यहाँ पर आपने ब्लैक कलर का मार्कर आपने लेना है, काले रंग का पेन लेना है, नींबू लेना है। नींबू आपके पास ना देखिए बिना दाग का नींबू होना चाहिए, दाग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने अब इस नींबू पर क्या लिखना है, 8 नंबर आपने इसमें लिखना है, 8। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पर लिखना है आपने 1। देखिए मैंने यहाँ पर 8 लिखा, फिर मैंने यहाँ पर 1 लिखा, 8 1 7, फिर आपने लिखना है 7। नींबू के ऊपर लिखते जाना है आपने 8 1 7। इसको आप मार्कर ना मिले तो आपके घर में काजल होगा, काजल से भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने लिखना है 2 नंबर 2 लिखा मैंने यहाँ पर, उसके बाद आपने लिखना है 6 नंबर 6, 8 1 7 2 6। ये नंबर आपको जो है हमारे वीडियो पे भी जब आप मैं ये बोल रही होंगी तो नंबर आपके वीडियो स्क्रीन पर ये चल रहा होगा, 8 1 7 2 6, 8 1, देखिए 8 1 7 2 6। ये देखिए ये पूरा नंबर आपको जो है ना गोल गोल घुमा के आपने नींबू पर ले लेना है। नींबू मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ, बिना दाग का नींबू लेना है, रसदार नींबू लेना है। उसके बाद 8 1 7 2 6 आपने लिखना है ब्लैक कलर के मार्कर से। आप अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव
जो भी चीजें हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, जिन जिन्नात, भूत प्रेत, जो भी है, सबको आज आप खत्म कर देंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, ये नींबू लेना है और इसको आपने जो है अपने सर से मेरा लेफ्ट ईयर ये है, अपने सर से 31 बार उल्टा घुमाकर 81728 बोलते हुए ओम नम ओम 81728 नमः। ये देखिए मैं ऐसे बोलना शुरू करूंगी, ओम 81726 नमः, 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 ओम 81726 नमः। मैंने 7 बार कर दिया है, आप 31 बार कीजिएगा। ओम 81726 नमः, ये बोलने के बाद ये आपने 31 बार करा। अगर आप देखिए अपनी तरफ से नहीं करते तो अपने रोगी, जो भी आपका रोगी है, यानी कि जो पेशेंट है आपका, जिसको आपके बच्चे के डिप्रेशन हो रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, पति का काम नहीं बन रहा है, पति को कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, घर में किसी भी सदस्य को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपने जो है ये 81726 जो है लिखना है, ओम 81726 नमः, ओम 81726 नमः बोलते हुए 31 बार उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज वारने के बाद आपने जो है ये वारा, उसके बाद कर लिया। फिर उसके बाद आपने पकड़ा और इसको नींबू को, अब इसको और बढ़िया करने के लिए ओम 81726 नमः, ओम 81726 नमः, ओम 81726। आपको पता नहीं यहाँ पर हमारे आत्मा राम होते हैं, तो ये आत्मा की भी शुद्धि आपकी करेगा। ओम 81726 नमः, ओम 81726 नमः, ओम 81726 नमः करना एंटी क्लॉक वाइज ही है। देखो एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। या शरीर के किसी भी अंग में आपके कोई दर्द हो रही हो, या कोई परेशानी हो रही हो, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो रहा हो, कोई आपकी कमर में दर्द है, आपको सर्वाइकल की दर्द है, आपको शाटिका की पेन है, आपको कोई भी बीमारी है, तो आप उस बीमारी वाले पार्ट में पर इसको टच कर दीजिएगा। उसके बाद इसको आपने 4 भागों में ऐसे करके काट लेना है। ये देखिए इसको नीचे से नहीं काटना है, 4 भागों में इसको काट लीजिए, ठीक है, 4 भागों में काट लेना है, नीचे से इसको नहीं काटना है। और उसके बाद आपने इसके उसके ऊपर 31 बार फूंक मारनी है, इसको आपने जाकर कहीं अपने घर से बड़ी दूर इस पे कुछ रख लीजिएगा नीचे से, नहीं तो सारा नींबू का जो है रस चोता रहेगा और गिरता रहेगा। आप इसके ऊपर नीचे एक टिश्यू पेपर रख लीजिएगा और ये रखने के बाद इसको जाकर आप कहीं पर भी, कहीं चौराहे पर मत फेंकिएगा, चौराहे पर फेंकेंगे वापस तुम्हारे पास ही घर में वापस आती है, क्योंकि आपको पता ना न्यूटन का वो जो लॉ है हमारा, जो भी हम चीजें ऊपर फेंकते हैं वो सारी वापस आती है हमारे पास। तो ये भी पृथ्वी गोल है, तो किसी के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो गड्ढा में खुद ही गिरोगे अगले दिन, 4 दिन बाद गिर जाओगे, अगले दिन नहीं गिरोगे तो। लेकिन जो है ना ये आपने क्या करना, किसी डस्टबिन में जो बाहर के जो सरकारी डस्टबिन होते हैं, जो बाहर बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं, या फिर अपने अगर कुछ नहीं कहीं बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर के डस्टबिन में डाल दीजिए और कूड़े वाले को कूड़ा दे दीजिए, ये कर लीजिए। और उसके बाद अगर बाहर जाके फेंक सकते हैं तो बाहर जाके डस्टबिन में डाल आइए। इसको आपने कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि सपोज कि आपने क्या भाई किया, चारों दिशाओं में फेंक दो नींबू को, एक दक्षिण दिशा में फेंक दो, एक उत्तर दिशा में फेंक दो, मत कीजिएगा। इसको आप चुपचाप लीजिए और डस्टबिन में जाकर डालाइए। और करने के बाद सफाई कर्मचारी जो होता है, यानी कि जो जिसको हम स्वीपर भी बोलते हैं, जिसको हम जमादार बोलते हैं, स्वीपर बोलते हैं, सफाई कर्मचारी बोलते हैं, उसको आपने 20 रुपए का लाल वाला, ग्रीन वाला नहीं, 20 रुपए का लाल वाला एक नोट भी आपने देते हुए आना है। करके देखे, चमत्कारी उपाय है, यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी ये उपाय नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपने ना सुना होगा ना किया होगा। ये उपाय वो उपाय है जो मैं अपने बहुत ही खास क्लाइंट्स को करवाती हूँ तुरंत असर के लिए। अगर आप चाहते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर असर आ जाए तो करके देखे, चमत्कारी उपाय आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार लेकर आएगा। राधे राधे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा। राधे राधे।